महाराष्ट्र में फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत पर सियासत जारी है। हत्या के इतने दिन बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी तक कानून के हाथ आरोपियों के गर्दन तक नहीं पहुंची है। एक तरफ जहां मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार सुशांत की मौत को आत्महत्या बताकर फाइल बंद करने की फिराक में थी, वहीं बिहार सरकार और पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरोप तो ये भी लगा कि मुंबई पुलिस दबाव में सुशांत की फाइल को बंद करना चाहती थी, क्योंकि अगर खुलासे होते तो महाराष्ट्र की सत्ता हिल सकती थी। इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने केस को सीबीआई को सौंप दिया है। मामला कोर्ट में है। इस केस की अहम कड़ी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती चाहती है कि केस की जांच मुंबई पुलिस ही करे। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। उधर राजनीतिक दल से लेकर तमाम लोगों की यही मांग है कि इस केस की जांच सीबीआई को ही करनी चाहिए। हालांकि सीबीआई से उद्धव सरकार को आपत्ति है। सुशांत मामले को लेकर सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस भी है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सांसद नारायण राणे ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच को लेकर मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच जरूरी है, क्योंकि मुंबई पुलिस से सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा। बीजेपी सांसद ने कहा कि ये आत्महत्या नहीं मर्डर है। मुंबई पुलिस दबाव में जांच कर रही है, किसी को बचा रही है। मुझे पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। सुशांत को न्याय नहीं मिलेगा। पटना से मुंबई आए बिहार पुलिस के एसपी विनय तिवारी के मुंबई पहुंचने पर उन्हें बीएमसी की ओर से क्वारंटीन कर दिए जाने पर भी राणे ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि एक आईपीएस अफसर को इस तरह से क्वारंटीन करने के पीछे कारण है कि सच्चाई सामने नहीं आए। राणे ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस सबूत खत्म करने का काम कर रही है। दिशा सालियान और सुशांत की मौत के मामले में संबंध है। उनके मुताबिक इस मामले में अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज किया है, इससे शक पैदा होता है। हाल ही में अजीत पवार के बेटे और शरद पवार के पोते पार्थ पवार की ओर से की गई सीबीआई मांग को लेकर उपजे विवाद पर राणे ने कहा कि पार्थ पवार की उम्र 18 साल के ऊपर है, वो परिपक्व है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग क्यों की, ये सोचना चाहिए। राणे से पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या वाटरलू और बॉलीवुड मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरगेट है। मेरी तरह आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए, उड़ान भरने वाली है। तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि इस मामले में इंसाफ नहीं मिल जाता। इससे पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी मुंबई पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर चुके हैं। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी शुरू से ही कह रही हैं कि सुशांत की हत्या की गई है। रनौत ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। हालांकि चारों तरफ से घिरने के बाद शिवसेना और उद्धव ठाकरे की जुबान बंद है। वहीं ईडी लगातार सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। सुशांत के पिता ने रिया पर पैसों के हेर फेर, सुशांत को मारने समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि मामले की सच्चाई क्या है, आखिर सुशांत को क्यों मारा गया, इन सभी सवालों का जवाब जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।